खुशी रहो, आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। अगर आप पाओ बिस्किट या पेस्ट्री के अगर खाने वाले शौकीन हैं, तो जिस खबर के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जो फोटोज आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, ये फोटोज देख के आ रही है, ये खबर सुन के आप इन सब चीजों से तौबा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। गाइस, एक्चुअली बिस्किट रस जो बेकरी से बनता है, जो ब्रेड वगैरह बनते हैं, तो वो सब चीजें खाना लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है तो आप ब्रेड बटर खाना पसंद करते हैं, पाव खाना पसंद करते हैं, और साथ के साथ आप पैटीज खाना पसंद करते हैं, पफ्स खाना पसंद करते हैं। तो उसी के चलते हुए आपको ये सब चीजें लगती है कि जो बेकरीज रहती है वहां पर फ्रेश ये सब चीजें बनती हैं और आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आपको ये भी चीजें पता है कि ये मैदे से बनता है और इसमें अंडा मिला जाता है, और अगर ये पैटीज अगर बन रही है या कुछ ऐसी सब चीजें बन रही है, उसको कुरमुरा बनाने के लिए उसके ऊपर कच्चा अंडे का लेप लगाया जाता है और उसको बेक किया जाता है, और बेक करने के बाद इसकी जो महक होती है काफी ज्यादा अलग हो जाती है। हमारे सामने मेरठ से एक मामला आ रहा है जहां पर 50 साल पुरानी बेकरीज है, मतलब कि वहां पर टोटल बेकरीज जो है वो 180 बेकरी है, और उनमें से कुछ जो बेकरीज है 150 बेकरी में अगर आप जाएं और आप अगर बाहर से खा रहे हैं उन बेकरियों से लिया हुआ खाना, तो आपके लिए कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं होती। पर आप अगर उन बेकरियों में वो बनता हुआ पेस्ट्री और वो बनते हुए बिस्किट अगर आप देख ले तो आप तौबा कर देंगे, क्योंकि इतने सालों पुराने जो जंक लगे हुए जो सामान है उसी में उस मटेरियल को बनाया जाता है, उसको बेक किया जाता है और फिर दोबारा से अच्छे कवर्स में उसको पैक करके बड़े दाम में बेचा जाता है। और अगर बड़े बड़े आप रेस्टोरेंट्स में भी जाते हो और वहां पर आप कुछ चीजें ऐसी ऑर्डर करते हो तो ये लोग वहां से सप्लाई लेते हैं, और वहां पर जो पुरानी बेकरीज है वो ही ये सब चीजें कर रही हैं। गंदगी अगर आप वहां पे जाते हो तो उनके ऊपर सामान के ऊपर मटेरियल के ऊपर चूहे, कॉकरोच और बहुत ही मक्खियां वहां पर दिखाई देंगी, और इसी के चलते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि आप ध्यान नहीं रखते हो। बाय द वे, आप जगह अगर आप शाम को अपने दोस्तों के बीच में खड़े रहते हो और उस वक्त आप चाय पीते हो, या आप कभी बन ले लेते हो, कभी बिस्किट ले लेते हो, और उसके चलते हुए अगर बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए या पेट संबंधी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप लोगों का ध्यान वहां पर नहीं जाता तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ आप टैबलेट ले लेते हो और उन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, फिर दोबारा से वही चीज खाते हो। पर ये सब चीजें हो रही हैं, और कुछ ही बेकरीज ऐसी हैं जो स्वच्छता को दिखाई देती हैं, वो थोड़ी बहुत वहां पर क्लीनिंग कर रही हैं, देख रही हैं। पर जो पुरानी बेकरीज है जिनका ऑलरेडी नेम हो चुका है, वो इसी के चलते हुए कि उनको अच्छी आमदन हो तो इसीलिए वो गंदगी में ये सब चीजें बना रहे हैं। आप लोग फोटोज भी देख पा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा गंदी है। अगर आप कोई भी चीज अगर आप ऐसी खा रहे हैं या सब्जी भी खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कहां से बन के आई है और कितनी ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप कोई गंदी चीज खाते हैं तो आपकी सेहत के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। आई होप गाइस इसके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा और आप सावधान रहेंगे इन सब चीजों के ऊपर भी। अगर आपका पेट संबंधी कुछ दर्द आया तो वो भी आप एक बार सोचेंगे जरूर कि आपने कहां से वो बिस्किट खाया था, कहां से वो पफ्स खाए थे जिसके कारण आपको ये सब चीजें हुई। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो जाते थे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपके भी फेवरेट हैं ये सब चीजें तो कमेंट करके जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।